दोस्तों इस तरीके की वीडियो में जो इफेक्ट अप्लाई होता है वो इफेक्ट आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, इन सब चीजों पर तो इस तरीके की इफेक्ट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इस तरीके की इफेक्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है? अगर नहीं सोचा तो मैं आज आपको बता देता हूं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको इस ग्रीन वाले प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपनी वीडियो के हिसाब से किसी भी साइज को सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर से आपको रेजोल्यूशन को 1080p रखना है और उसके बाद फ्रेम रेट को 30fps और बैकग्राउंड को लाइट ग्रे रख के आपको नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर से अपनी वीडियो को सेलेक्ट करनी है तभी तो आप इफेक्ट अप्लाई करोगे। तो वीडियो को सेलेक्ट करने के लिए इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना होगा और इस मीडिया को सेलेक्ट करके अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि यही वाली वीडियो है, इसी पर हम लोग वो इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे इफेक्ट अप्लाई किया जाता है चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से दोस्तों इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शेप जैसे सेलेक्ट होगा और उसके बाद इस कलर पर क्लिक करके इस पिंक वाले कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और इस शेप को टू फिंगर की मदद से अपने फुल स्क्रीन में आपको कवर कर लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ से इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहाँ एक डिफरेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके तीसरे नंबर पर सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आपको यहाँ से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ पर से इस कॉपी बैकग्राउंड वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इतना करते ही आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और फिर से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ पर से इस गॉसियन ब्लर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों आपको फिर से इस एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके फोन में इस तरीके की डिस्प्ले के सामने इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो आप इन सारी इफेक्ट को सर्च करके भी मंगा सकते हो। तो सर्च करके मंगाने के लिए आपको सर्च बार में चले जाना होगा और जिस इफेक्ट को आप मंगाना चाहते हो उस इफेक्ट का आपको नाम सर्च करना होगा। तो हमने EX सर्च किया है तो एक्सपोजर गामा फर्स्ट में आ चुका है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अभी इस एक्सपोजर गामा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको आपको कम कर लेनी है तो इसको माइनस आपको 49 के आसपास आपको रख लेना है और नीचे में जो गामा वाला ऑप्शन है तो इसको भी आपको कम कर लेना है तो इसको 0.850 के आसपास रख लेंगे और इतना रखते ही आपको स्क्रीन पर एक बार टाइप कर देना है। तो अभी आपको यहाँ से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शेप जैसे ही सेलेक्ट होगा उसके बाद इसको जूम कर लेंगे अच्छे तरीके से और यहाँ से इस कलर एंड फिल पर क्लिक करके व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाइट कलर सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और उसके बाद इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फर्स्ट में ओवरले वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको दोस्तों इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सेकंड में ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट लेयर, तो इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है और अभी आपको सबसे ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करके इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अराउंड 60 के आसपास रख लेना है और दोस्तों 60% रखते ही आपकी वीडियो में जो है लाइट अच्छे तरीके से आ जाएगी। अभी आपको इस वीडियो वाली लेयर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। वीडियो वाली लेयर पर क्लिक कर देने के बाद आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहां एक अदर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके सेकंड वाले चैनल रैंप RGB को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सबसे ऊपर में स्टैंडर्ड सेटिंग वाला बटन दिखेगा तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आपको यहाँ पर से चार लाइनें देखने को मिल रही होगी दोस्तों, एक R वाला लाइन है और उसके बाद एक G वाला लाइन है और उसके बाद एक B वाला लाइन है और उसके बाद एक A वाला लाइन है। तो अभी आपको G वाले लाइन में से जाकर Y को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको B वाले लाइन में से जाकर G को सेलेक्ट कर लेना है और इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है और उसके बाद आपको फिर से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको सर्च बार में चले जाना है और सैचुरेशन सर्च कर लेना है। दोस्तों जैसे आप सैचुरेशन सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा सैचुरेशन वाइब्रेंस, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो अभी सैचुरेशन को आपको एडजस्ट कर लेना है तो ऊपर में जो सैचुरेशन इसको +10% के आसपास रख लेंगे और इतना रखते ही आपकी वीडियो में जो है इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। तो आपको देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ये वाला इफेक्ट। तो अब इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई करके और सेव करके आपको रिजल्ट में दिखा देता हूं कि कैसे हमारा वीडियो में इफेक्ट अप्लाई हुआ है। तो अभी आपको वीडियो की शुरुआत में चले आना है और इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है और इसी तरीके से आपको अंत में भी आके इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है और नीचे एक एक्सपोर्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक करते आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जब तक वीडियो सेव हो रही है तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अच्छा सा एक कमेंट कर दो। और दोस्तों ये वीडियो सेव हो जाती है उसके बाद आप रिजल्ट देख कर ही जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।